सोया मोमोज बनाने के लिए हमें लगेगा जीरा, राई, गरम मसाला, रेड रेड चिली पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, एक बाउल मैदा, ऑयल, हरा बारीक कटा धनिया, बारीक कटी प्याज, और ये सोया चंक्स है जो मैंने 10 मिनट पानी में नमक डालकर उबालकर उसमें का पानी निकाल लिया है और इसे स्नैश किया है, और ये बारीक कटा टमाटर और 2 ग्लास पानी। एक पैन में 3 टीस्पून ऑयल लेंगे, तेल में हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, बारीक कटी प्याज डालेंगे, बारीक कटा टमाटर डालेंगे, इसे अच्छे से होने देना है। प्याज सुनहरी रंग की होने के बाद हमें इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालनी है, 1/2 टीस्पून हल्दी डालनी है और सॉल्ट डालना है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालना है और इसमें स्नैश की हुई सोया चंक डालनी है। इसे मिक्स कर लेना है, धीमी आंच पर इसे अच्छे से अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने तक हमें एक बाउल मैदा लेकर उसमें 2 टीस्पून ऑयल लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और पानी से इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ आटा बनाना है। मोमो स्टीम करने के लिए हम 1.5 ग्लास इसमें पानी डालेंगे और गैस शुरू कर देंगे। मैदे की गोल पपड़ी बना लेंगे, ये गोल पपड़ी अब हम ऐसी फिंगर पे लेके ऐसी चिपका लेंगे। और इसे ऐसे हाथ में पकड़कर इसमें ये मसाला भर देंगे। अब हम इसे ऐसी तरह पैक कर लेंगे और ये ऐसे जोड़ देंगे और इसे ऐसी डिजाइन बनानी है। अब ये मोमोज स्टीम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। एक छलनी में छलनी को ऑयल लगा लेंगे और इसमें ये मोमोज स्टीम करने के लिए रखेंगे। इसे हमें 10 मिनट तक स्टीम कर लेना है और इस पर ढक्कन रखना है। अब गैस बंद कर दे और ये अच्छे से पक चुके हैं, इसे निकाल ले।
ये मोमोज रेडी हो चुके हैं, अब आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।